सारे के सारे जो है ओपन पड़े हैं, खुले पड़े हैं, जिनकी वजह से भी बच्चे को या किसी भी सामाजिक नागरिक को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है। जो सामने आपको दिखाई दे रही है तार है, बिजली करने की बजाय यहाँ पर जो इसको जलाने का काम किया है, जिस टाइम आज की गर्मी है उसके दौरान छाया की जरूरत पड़ती है, पब्लिक को भी सरकार को भी दिखाना। तो एडवोकेट सुनील बामणिया जी, उनसे बात करेंगे। सर कैसे हो? नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर आवाज उठाने के लिए आप आए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेडियम है, ये वाकई में जो है ना स्थल बन के रह गया है। ये स्टेडियम सिर्फ और सिर्फ नाम का रह गया है। यहाँ पर सुविधाओं के नाम पर के सिर्फ ठेंगा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज यहाँ पे आमतौर पे बच्चे खेलते खेलते गिर भी जाते हैं, जिसकी वजह से उनको गंभीर चोटें भी पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो बच्चों के लिए जो है कोई फर्स्ट एड की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, ना कोई एम्बुलेंस का प्रबंध किया गया है। खेलते खेलते बच्चे की तबीयत भी खराब हो सकती है, किसी को हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है, छोटे बड़े बुजुर्ग वगैरह सभी यहाँ पे पहुंचते हैं। किसी प्रकार की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और तो और यहाँ पे पीने के पानी का भी अभाव है। जो शौचालय वगैरह बनाए गए हैं उनकी भी हालत आप देखोगे तो बड़ी बदतर हालत है, जिसके अंदर मतलब घुसना आराम हो गया है। और दूसरी जो यहाँ पर पेड़ पौधों की बड़ी गंभीर समस्या है, जो पेड़ पौधे बड़ी मुश्किल से तैयार करे गए थे, यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की जो है ना लापरवाही की वजह से उन पत्तों को झाड़ू लगाकर उठाने की बजाय उनको है ना वहीं पड़े पड़े जला दिया जाता है, जिसकी वजह से जो पौधा आसपास में तैयार हो जाता है वो भी जल के राख हो जाता है, जो कि बहुत ही मतलब निंदनीय है। ये जो घटना है मैं इसका पुरजोर निंदा करता हूं, और मैं प्रशासन से और शासन से अपील करता हूं कि भाई जल्द से जल्द इसका संज्ञान लिया जाए और जो जो यहाँ पर समस्याएं हैं उनको जो है दुरुस्त किया जाए। जी, तो खिलाड़ियों से भी हम बात करेंगे, जो बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और जो सुविधा यहाँ पर दे रखी सरकार ने, सिर्फ नाम मात्र है, सिर्फ कहने के लिए है, यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि वॉशरूम की सुविधा यहाँ पर नहीं है, पीने के पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है, और भी जो मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों के लिए होती है, खेल के जो सामग्रियां होती है सरकारी तौर पे, यहाँ सारे के सारे जो पोल है वो भी टूटे पड़े हैं, पेड़ हैं वो जड़े हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं वो बिल्कुल जल चुके हैं, यहाँ पर जो इनको पानी भी नहीं दिया जाता, आग लग इस सारे के सारे जो पौधे हैं वो जल चुके हैं, क्योंकि इनके अंदर आग लगाई गई, जो पत्ते नीचे गिर जाते हैं उनको सफाई करने के बजाय इनमें आग लगाई गई है। इसके साथ साथ जो बड़े पौधे हैं वो भी जो है जल चुके हैं अधिकतर, तो सबके यहाँ पर से जुड़ी है ग्राउंड से स्टेडियम से वो सुनील राज बामणिया जी भी दिखाने का काम करेंगे, और बच्चों से भी जो हम बात करेंगे वही बात करेंगे बच्चों से। सुनील जी, क्या आप कहना चाहोगे यहाँ स्टेडियम के बारे में? एक तो यहाँ पे जो माली और एक चौकीदार और जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो लापता रहते हैं। माली का काम है यहाँ पे पौधों की देखरेख करना, घास की देखरेख करना, ग्राउंड में पानी वगैरह की जो व्यवस्था को देखना, पानी घास यहाँ पे आप पूरा ग्राउंड देख सकते हो, यहाँ पे कोई पानी नहीं दिया गया, जिसकी वजह से जो घास होती है जो स्टेडियम की घास थी वो सारी की सारी सूख चुकी है। और साथ के अंदर ये आप नाले दिखा सकते हो, ये नाले के जो सारे के सारे जो है ओपन पड़े हैं, खुले पड़े हैं, जिनकी वजह से किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने का अंदेशा रहता है, कोई भी बच्चा इसके अंदर गिर के उसको गंभीर चोट आ सकती है। दूसरा जो ये रास्ता है आप देख सकते हो, पानी ना देने की वजह से यहाँ पे धूल उठ रही है, खेलने के लिए बच्चे आते हैं, खुला वातावरण के मकसद से यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि वातावरण जो है बड़ा दूषित हो चुका है, धूल उठी पड़ी है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पानी का अभाव होने की वजह से। दूसरा जो है कि यहाँ मेन समस्या है, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ देर के बाद में यहाँ पे इतना अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से आमतौर पे स्नेचिंग की है ना, लूटमार की जो वारदातें हैं उनको जो शरारती तत्व है वो अंजाम देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसी अप्रिय घटनाएं घट चुकी हैं। दूसरा जो यहाँ पे बच्चे हैं जो इस ग्राउंड के अंदर, सूखे ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, तो उस दौरान पे यहाँ पे गिरने की वजह से गंभीर चोटें आ जाती हैं, जिसकी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की गई, ना कोई यहाँ फर्स्ट एड किट की व्यवस्था की है, ना ही कोई मतलब जो है एम्बुलेंस वगैरह की है। अगर कल को किसी भी बच्चे को या किसी भी सामाजिक नागरिक को अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती है तो उसको जो है एम्बुलेंस वगैरह यहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं करी गई है, ना ही कोई पीने की और जो दूसरे अन्य प्रकार की कोई जो सुविधाएं होनी चाहिए, कैंटीन वगैरह की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, किसी प्रकार की
पूरे स्टेडियम के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रैली स्थल बना करके छोड़ दिया गया है। मैं सरकार से और प्रशासन से पुनः अनुरोध करता हूं कि भाई ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इसकी, इनके ऊपर विचार किया जाए और जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। ये आप देख सकते हो बच्चे जो है ना खेलते खेलते यहाँ पे गिर रहे हैं, जिनकी वजह से इनको भारी चोटें आती हैं, जिनका वो बड़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। आप इनकी चोटें दिखा सकते हैं, इधर दिखा दो सब चोट, रोक लो। वो चोटे वाले बच्चे कौन से थे? देखे लग रही तो जाता हूँ। अरे फिर भी कोई नहीं, दिखाओ भाई, गिर गया था जी सूखा ग्राउंड होने की वजह से चोट लग गई। अच्छा, खेल के दौरान जो आपको चोट लगी है तो फर्स्ट एड वगैरह की सुविधा दी आपको यहाँ? नो सर। अच्छा, तो क्या होनी चाहिए? यस सर। भाई बहुत बड़ी बात है, कब से आप खेलने आते हैं यहाँ पर? सर मेरे को 10 या 15 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो किस तरह की सुविधाएं आपको यहाँ पर स्टेडियम के अंदर लगी जो सरकार द्वारा होनी चाहिए खिलाड़ियों के लिए? सर एक तो सर हार्ड है सर ग्राउंड। अच्छा सर, वो एम्बुलेंस नहीं है सर, यहाँ पे कैंटीन नहीं है सर, सर वाटर का नहीं है सर यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और सर यहाँ पे वो नहीं है सर, एम्बुलेंस नहीं है सर। तो भाई बच्चे जो है बता रहे हैं अपनी जो समस्याएं, जो जरूरी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। सरकारी तौर पे हम बात कर रहे हैं भाई, सरकारी तौर पे जो सुविधाएं होती है खिलाड़ियों के लिए, बच्चों के लिए, जो बच्चे जो सुबह 4 से 5 बजे यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो सूखा ग्राउंड है उसके साथ साथ जो नाला यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे बिल्कुल ट्रैक पे, तो ये बिल्कुल ओपन पड़ा है, क्योंकि बच्चों के अंदर जब प्रैक्टिस करने के दौरान काफी जो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो उस दौरान जो है इस तरह की घटनाएं जो है होना बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चों के अंदर जोश इतना हो जाता है प्रैक्टिस के दौरान तो कभी भी मतलब इस तरह की घटनाएं हो सकती है। उसके दौरान यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की यहाँ पर सुविधा नहीं है, बस स्टैंड किट की यहाँ पर कोई ऐसी सुविधा नहीं है, जो कैंटीन होती है स्टेडियम के अंदर वो भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आ रहे हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो नाले वो बिल्कुल खुले पड़े हुए हैं, जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको गिरने की भी जो संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो उनको ढका नहीं गया है। यहाँ की सुविधाएं आप देख सकते हैं, कचरा कितना यहाँ पर फैला हुआ है, बच्चों को कितनी असुविधा का सामना करना पड़ता है। लगातार हम आपको यहाँ पर स्टेडियम की हर कवरेज दिखाने का काम कर रहे हैं, सुविधाएं हम आपको यहाँ दिखाने का काम कर रहे हैं भी बच्चों को किन किन असुविधाओं से जो है गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्टेडियम है स्टेडियम के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं देनी होती है सरकार को, लेकिन रैली स्थल के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है। तो लगातार जो अभी हम बच्चों से बात करेंगे भाई, बच्चों जो नहीं को जो सुविधाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि और किन असुविधाओं के कारण जो है इनकी प्रैक्टिस में बाधा होती जा रही है। लगातार जो है बच्चे सुबह शाम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन असुविधा